हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, बनारस, सुप्रभात बनारस। कल कान्हा का जन्मोत्सव मनाकर कैसा लग रहा है भाई? मेरा मूड तो अभी भी एकदम बना हुआ है। अरे रात में उनका जन्मोत्सव करके, उन्हें भोग लगा करके, प्रसाद ग्रहण करके जो मजा आया है ना, वो इतनी जल्दी कहाँ जाने वाला है भाई साहब। जी हाँ, और वैसे भी हमारे ठाकुर जी तो बड़े लीलाधर हैं। उनकी लीलाएं देखकर आपको उनसे प्रेम हो ही जाएगा। और अगर बनारस में अपनी बात करूँ ना, मेरी खुद की, तो मुझे कान्हा बहुत प्रिय हैं। और अगर बात हो रही है कान्हा के दीवानों की, तो हमारे महादेव भी उनके दीवाने हैं। जी हाँ, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं भाई? शिवनगरी में जन्मे कान्हा, घर घर गूंजा सोहर। जब लग्न मुहूर्त और योग शुभ हो चला, तब काशी का हर घर आंगन और मंदिर प्रांगण गोकुल मथुरा में ढल गया। गुरुवार को गहराई रात में जब कारागार के सभी पहरेदार सो गए, तो जगत के उद्धार को पालनहार प्रकट हुए। जन्माष्टमी पर्व का उल्लास छाया रहा, शंखनाद व घंट घड़ियाल का स्वर फूटा। नन्हे कान्हा की बलैया उतारते हुए, मुकुट श्रृंगार करते भक्तों का उनसे जो प्रेम था ना, वो एकदम अटूट था। माखन मिश्री का भोग लगाते और हाथ जोड़कर शीश नवाते भक्त भगवान का जन्मोत्सव पूरी रात जाग कर मनाते हैं। और मनाया जाता ही है भाई, क्योंकि हमें अपने ठाकुर जी से इतना स्नेह जो है। कहते हैं बनारस कि एक बार महादेव को कृष्ण जी को देखने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, तो वो एक गोपी का रूप धरकर महाराज देखने के लिए वृंदावन पहुंच गए। लेकिन वहां तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से बुलाया। तभी से भगवान शिव को गोपेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाने लगा। जी हाँ, सो बनारस, हमारे लाला हैं ही इतने मोहक, इतने सुंदर कि हर कोई उनका दीवाना बन जाता है। और जन्माष्टमी का ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं होता बनारस, बहुत से लोग नंदलाल की छट्टी बरही भी करते हैं। जी हाँ, जैसे हम लोग अपने यहाँ किसी बच्चे के होने पे करते हैं ना, ठीक वैसे ही बनारस मेरे यहाँ तो लाला की छट्टी बरही बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आपके यहाँ कैसा होता है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल सुबह के 7 बज चुके हैं और सुबह सुबह ठाकुर जी महादेव बाबा का नाम लेना है और सुनते रहना है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग बनारस। वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। और आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस विद मी पूजा के साथ। भैया बनारस, आज दिन है शुक्रवार का और डेट है 8 सितंबर। तो बनारस, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं क्या खास हो रहा है देश दुनिया और बनारस में आज। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर रहे आदित्य ने सेल्फी खींचकर संदेश भेजा है कि वह पूरी तरह से फिट है। जी हाँ, उसने पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भी खींची हैं। इसरो ने कल यानी गुरुवार को सेल्फी और तस्वीरें जारी की। यह आदित्य L1 के कैमरे द्वारा ली गई पहली तस्वीर है। बात करते हैं अगली खबर की बनारस, तो वो ये है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से अब कैश भी निकाला जा सकेगा। जी हाँ, मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में UPI ATM दिखाया गया है। इस ATM के इस्तेमाल के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, बस QR कोड स्कैन कर पैसा निकाला जा सकता है। इस ATM को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। भारत में पहली बार दुनिया में आर्थिक दृष्टिकोण से दिग्गज 20 देशों के टॉप लीडर्स एकत्रित होने जा रहे हैं। 3 से 10 सितंबर तक होने वाले इस G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो बनारस, ये तो बात हुई हमारे
देश विदेश दुनिया में क्या हो रहा है, और हम आपको बताते हैं कि एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो होगा, जिसका आगाज 21 और समापन 25 सितंबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगी। शो में दुनिया भर के 400 से ज्यादा बायर्स ने आने की सहमति दी है। इन बायर्स के सामने प्रदेश सरकार शो के माध्यम से बनारस की गुलाबी मीनाकारी, वुडन क्राफ्ट, सिल्क, जरदोजी, सॉफ्ट स्टोन, लॉजी क्राफ्ट के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो भाई, हमारे बनारस को भी अब स्तर बढ़ाया जा रहा है, उसका भी लेवल बढ़ाया जा रहा है। और बनारस, अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जहां जानेंगे इतिहास के पन्नों में आज के दिन की खासियत को। बनारस, आज ही के दिन 1952 में जेनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम घोषणा पत्र न्यूयॉर्क में बनाया गया। 1966 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया। आज ही के दिन 1926 में भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार भूपेन हजारिका का जन्म हुआ, जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। आज ही के दिन 1933 में हमारी मशहूर गायिका आशा भोसले जी का भी जन्म हुआ था। 2002 में आज ही के दिन लॉरी विलियम्स वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जो हैं उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1948 में हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सतीश कौल का भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1910 में हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण का भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1908 में भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह का जन्म हुआ था। 1899 में आज ही के दिन रमन विश्वनाथन, जाने माने भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक का भी जन्म हुआ था। तो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास के पन्नों में आज के स्पेशल डे की। और आज एक और स्पेशल डे है जिसकी मैं आपसे बात करने वाली हूँ, और वो है विश्व साक्षरता दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड लिटरेसी डे। बनारस, हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में शिक्षा के महत्व को दिखाना है, समझाना है। विश्व साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय यूनेस्को द्वारा 7 नवंबर 1965 को लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे सन 1966 में मनाया गया था, और वर्ष 2009 से 2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ हम बनारस ये समझ लें कि साक्षरता क्या है। दरअसल साक्षरता शब्द साक्षर से बना है, जिसका अर्थ पढ़ने और लिखने में सक्षम होना है। जी हाँ, दुनिया भर के देश अपने यहाँ के नागरिकों तक शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से साक्षरता दिवस मनाते हैं, ताकि हर कोई पढ़ लिख कर साक्षर बने। तो आइए इस बार शुरुआत बताने या समझाने से नहीं, समझने से करते हैं। एक नई शुरुआत खुद से करते हैं। साक्षरता दिवस पर एक प्रण करते हैं, उस यज्ञ में आहुति देने का जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बरसों से किया जा रहा है, लेकिन उसकी ज्वाला उतनी तीव्रता से धधक नहीं पा रही। जरूरी नहीं है बनारस कि हम इसके लिए कोई बड़ा काम करें। आहुतियाँ हमेशा छोटी ही होती हैं, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होती हैं। ज्ञान के प्रकाश से वंचित तबके को इस बात का एहसास करा सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप घर पर किसी गरीब बच्चे को न पढ़ा पाए, तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर कोई छोटा सा समूह बनाकर उसके स्कूल जाने की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपना कुछ वक्त निकालकर कुछ बच्चों को उनके बीच जाकर शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा के महत्व को समझा सकते हैं। जहाँ शिक्षा से जरूरी मजदूरी और ज्ञान से जरूरी भोजन है, वहाँ पर आप शिक्षा का महत्व बता सकते हैं। आप कम से कम सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं की जानकारी तो बांट ही सकते हैं,
है ना, हमारे इस छोटे से प्रयास से अंधकार में जीवन में एक नया दीपक जल सकता है, क्योंकि शिक्षा रोजगार या पैसे से ज्यादा खुद के विकास के लिए जरूरी है। 2023 के जो थीम है इसकी, वो थीम है संक्रमण काल में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। जी हाँ, और बनारस आज एक और खास डे है, कौन सा? जी वो है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, यानी विश्व पीटी दिवस। ये ना एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल का कार्यक्रम है जो 1951 में विश्व फिजियोथेरेपी फाउंडेशन की स्थापना की याद में 1996 से हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इस साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की रोकथाम और प्रबंधन। सो बनारस, ये तो बात हो गई आज के स्पेशल डे की, कल हमने क्या किया उसकी और क्या हो रहा है देश दुनिया बनारस में खास। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है जिसको आप भी मुझे बताना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आपको अभी जन्माष्टमी जो बीती है उसका खुमार तो उतना नहीं है, एकदम झूम झूम के आप लोग अभी भी झूमे हुए हैं। तो आपको चाहिए कि मैं आपको एक और प्यारा सा, एक खूबसूरत सा गीत सुनवाऊं जिसे सुन करके आपको एक बार फिर से बहुत मजा आ जाए। तो चलिए चलते हैं उस गीत की तरफ जिसे सुन करके आप सब झूम ही जाएंगे। तो बनारस झूम लिया हो तो कुछ भैया हमऊ से स्पेशल ज्ञान ले लो, भैया हमऊ तो थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या कहा, उसी का तो इंतजार है। अरे रे भैया, तो देर किस बात की, कुछ स्पेशल हमऊ से सुनिए। श्रृंगार करने के लिए भी दर्पण, श्रृंगार करने के लिए भी दर्पण और श्रृंगार उतारने के लिए भी दर्पण, श्रृंगार करने के लिए भी दर्पण और श्रृंगार उतारने के लिए भी दर्पण। स्वयं को देखने की कला है दर्पण, इसीलिए जिंदगी के हर मोड़ पर है एक दर्पण। जी हाँ, दर्पण आईना जिसका हम हर रोज दीदार करते हैं और जिसे ना देखे ना हम घर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए हमेशा दर्पण जब देखिए ना तो मुस्कुराते हुए देखिए। खुद को खुश देखेंगे तो सभी को खुश कर पाएंगे। सो बनारस, आज का गुड मॉर्निंग का सफर बस इतना ही, कल एक नए हम सफर के साथ होगा गुड मॉर्निंग का सफर फिर से शुरू। तब तक अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम दूसरों में खुशियाँ बांट पाएंगे, तभी हम दूसरों को खुश कर पाएंगे, तभी हम दूसरों के बीच अपनी पहचान बना पाएंगे कि लो भैया पूजा आ गई, अब वो आ गई है तो वो सारी चीजों को खुश खुश कर देगी, रोते हुए को भी हंसा देगी। जी हाँ, ऐसा ही बनना है। हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सो बनारस चलती हूँ, ध्यान रखिएगा। हैप्पी फ्राइडे बनारस।